हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बर्ड्स एंड गार्डन में। दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लेके आया हूं जो बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। काफी जनों की प्रॉब्लम्स होती है कि बर्ड्स के अंडे नहीं हो रहे हैं, और बर्ड्स के अंडे ले होते हैं तो उसमें से चिक्स नहीं निकलते हैं, और चिक्स अगर निकल भी जाते हैं तो चिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए आज का दोस्तों जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको कैल्शियम के वो नेचुरल सोर्सेज बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल है और जो बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देख के पूरी नॉलेज को लीजिएगा जिससे आपकी बर्ड्स हेल्थी रहे और स्वस्थ रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए, और आप लोगों के साथ बना रहूंगा, आप लोगों के टच में रहूंगा, अब आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए जरूर जरूर से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे मेरे को जरूर फॉलो कीजिएगा, साथ में ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कैल्शियम के सोर्सेज बताने जा रहा हूँ वो आप अगर यूज करते हैं तो आपके बर्ड्स काफी हेल्दी रहेंगे, और यही नहीं, आपके बर्ड्स के जो एग्स निकलेंगे वो भी स्वस्थ निकलेंगे, और उनमें से जो चिक्स होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण बर्ड्स में कौन कौन सी समस्याएं या बीमारी हो सकती है या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि बर्ड्स में हमारे प्रॉब्लम्स क्या होती है बिना कैल्शियम के या कैल्शियम की कमी के कारण। तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो है, अगर एग ले करते हैं, पहली बात तो एग ले करने में ही प्रॉब्लम होती है अगर कैल्शियम की कमी होती है, और अगर एग ले हो भी जाए तो उसके जो शेल होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, जिसके कारण उसमें से चिक्स निकलने में प्रॉब्लम होती है, और अगर चिक्स निकलते हैं तो काफी कमजोर होते हैं, वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए कैल्शियम बर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है, विशेषकर से ब्रीडिंग टाइम पे, क्योंकि कैल्शियम के बिना ब्रीडिंग का होना लगभग नामुमकिन है। और क्या हो सकता है, अगर चिक्स निकलते हैं और वो बड़े भी होते हैं तो उनके पर झड़ सकते हैं, उनके पंख ढंग से नहीं आते, वो उड़ नहीं पाते। इसके अलावा उनके पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं या वो लंगड़े हो सकते हैं, कमजोर होते हैं। इसलिए कैल्शियम की कमी अगर होती है तो हमारे जो चिक्स निकलेंगे वो स्वस्थ और सुंदर नहीं होंगे, काफी कमजोर और बीमार लगेंगे। इसलिए एग ले करते वक्त या फिर ब्रीडिंग के टाइम हमें उनके कैल्शियम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किंतु कैल्शियम उनके बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। आप अगर अपने बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हैं और उनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो उनकी कैल्शियम पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ऐसी गलती मेरे से भी हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान सीखता है और एक्सपीरियंस को लेके ही आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और कुछ रिसर्च के आधार पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ शुरुआत में ऐसा ही हो चुका है जहाँ मेरे चिक्स कमजोर निकले थे और आज वो सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक एक करके सब चीजें दिखाऊंगा और कि कौन कौन सी चीजें जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, नेचुरल सोर्सेस क्या है। तो दोस्तों, पहला सोर्सेस सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमको पिछले भी वीडियो में मैं एक बार दिखा चुका हूँ, आज के वीडियो में मैं आपको नेचुरल सोर्सेस के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे नेचुरल सोर्स है अंडा। अगर आपके पास बॉयल एग है तो एग को बॉयल कीजिए, उसको मैश कीजिए, मैश करके ब्रेड के साथ मिक्स करके दे दीजिए, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत स्ट्रांग सोर्स है, इससे अच्छा सोर्स कैल्शियम का नहीं होता है, और बट इसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको पचा लेते हैं और बहुत चाव से खाते भी है। तो आपके बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए उन्हें बॉयल अंडा जरूर दीजिएगा, उबले हुए अंडे। दूसरा क्या सोर्स है दोस्तों, दूसरा सोर्स है एग के शेल्स, जो एग के छिलके होते हैं, बॉयल किए हुए अंडे, अंडे बॉयल होने चाहिए दोस्तों, वो जो छिलके होते हैं वो बॉयल्ड होने चाहिए। तो बॉयल अंडे के जो छिलके होते हैं, ऊपर का छिलका होता है, उसे सुखा लीजिए, धूप में सुखा के उसको मैश कर लीजिए, पूरा पाउडर बना लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पाउडर बनता है। दोस्तों ये देखिए, एग के शेल का पाउडर, ये जो पाउडर है बिल्कुल एकदम बारीक कर लीजिए इसको, इसको आप दे सकते हैं, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और इससे कैल्शियम की मात्रा भी पूरी होती है।
इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कटल फिश बोन, ये कटल फिश बोन ये समुद्री झाग भी कहलाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। सब जगह अलग अलग रेट्स होती हैं, किसी की जगह 200 रुपए किलो होता है, किसी की 800 रुपए किलो होता है, डिपेंड करता है कि वहां पर वो अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी आसानी से मिल रहा है या फिर दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है, डिपेंड उस पर करता है मार्केट के ऊपर, ये अलग अलग जगह मिलता है। किंतु एक कटल फिश बोन लगभग एक महीने के करीब चल जाता है। ये बहुत आसानी से, ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, सोर्स का, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसे बर्ड्स थोड़ा थोड़ा करके कुतरते रहते हैं, खाते रहते हैं। इसे आप अपने पिंजरे में लटका दीजिए या फिर इसको पिंजरे में रख दीजिए। दोस्तों वैसे तो आपको ये कटल फिश बोन जो बर्ड्स के जो नेचुरल सोर्सेज हैं जो भी है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर बर्ड से संबंधित कोई चीजें आप लोगों को आपके मार्केट में नहीं मिलती है, क्योंकि सब जगह के मार्केट अलग अलग होते हैं, मार्केट अलग अलग होता है, सब जगह का प्राइस अलग अलग होता है, इसलिए दोस्तों अगर आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है तो मैं इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी ये चीज बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी बर्ड से संबंधित चीजें हैं, कई चीजें ऐसी होती है जो हमें मार्केट में नहीं, आसानी से नहीं मिल पाती किंतु हमें जरूरत बहुत होती है, उन सब की बर्ड्स के जो आइटम्स होते हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप उबले हुए चावल दे सकते हैं, उबले हुए चावल, जो चावल अपने बॉयल्ड चावल होता है उस चावल में आप ये जो पाउडर है अपने एग का पाउडर, एग का शेल का पाउडर, इस पाउडर को आप उबले हुए चावल के साथ मिलाकर दे दीजिए तो वो इस कमी को पूरा कर लेंगे, इससे मैंने कैल्शियम की कमी को पूरा कर लेंगे, वो चाव से खाएंगे तो उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी पूरी होती है तो उनके अंडे के शेल्स जो हैं वो बहुत मजबूत होंगे और काफी अच्छे चिक्स निकलेंगे, काफी सुंदर चिक्स निकलेंगे। और इसके अलावा उनकी ब्रीडिंग में भी बहुत फर्क आएगा, अगर कोई बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है तो उसके में भी उसको बहुत फर्क आएगा इस कैल्शियम की कमी के कारण। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो ब्रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, कई बर्ड्स ब्रीड नहीं कर पाते हैं अगर कैल्शियम की कमी होती है। दोस्तों अगर हमें बर्ड्स से ब्रीड लेना है तो उनकी कैल्शियम के ऊपर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनके खान पान में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम खान पान में या कैल्शियम में कोई ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके हमें ब्रीड लेने में ही प्रॉब्लम आती है। कई जनों के कमेंट्स आते हैं कि उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपको मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा कि ब्रीड लेने के लिए और कैल्शियम के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। दोस्तों अगर हम इसके अलावा हम दे सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल नहीं करता हूं, वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं, किंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम का बहुत एक अच्छा सोर्स है। ये आपको पेंट की दुकान पे, जहां पर हार्डवेयर की दुकान या पेंट की दुकान पे बहुत इजीली मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है कि उसका जो कैल्शियम का ब्लॉक बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ब्लॉक बनता है, उसे आप कैल्शियम के रूप में दे सकते हैं। अब ब्लॉक हर किसी को बनाना आता नहीं है। कैल्शियम ब्लॉक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कैल्शियम ब्लॉक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है, किंतु आपको मैं बता दूं अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ब्लॉक आप बनाते हैं तो उसमें एग के शेल जो है, मैंने जो आपको पाउडर अभी दिखाया वो पाउडर, और साथ में कटल फिश बोन का जो है उसको भी पाउडर में करके आप उस तीनों को मिक्स कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कटल फिश बोन का पाउडर और एग का शेल का पाउडर, अंडे के छिलकों का पाउडर, अंडे के छिलकों का पाउडर के तीनों को मिक्स कर लीजिएगा तो एक बहुत स्ट्रांग कैल्शियम सोर्स तैयार हो जाएगा। इसका आप अगर ब्लॉक में यूज करेंगे और ब्लॉक को पिंजरे में रख देंगे तो वो थोड़े थोड़े से कुतर के खाते रहेंगे और उनके कैल्शियम की कमी पूरी होती रहेगी, जिससे आपके चिक्स बहुत सुंदर और बहुत हेल्दी होंगे। और दोस्तों कैल्शियम का एक सोर्स और है, वो आप जरूर अपने केज में रखिएगा, ये सेंधा नमक और काला नमक का जो डला होता है, पाउडर फॉर्म में नहीं दोस्तों, इसे पूरा डला ही रख दीजिएगा केज के अंदर, ये भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे बजीज उस डले को ये खाते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुए हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके बारे में। अब हम इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल में भी कैल्शियम सोर्सेज यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जने कई जने कहते हैं हम पालक दें। दोस्तों पालक के कैल्शियम का बहुत एक अच्छा सोर्स है, किंतु हम पालक को रेगुलर नहीं दे सकते हैं कि उससे उनको क्या होता है, दस्त होने के चांसेस हो जाते हैं, उनको मोशन हो गया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पालक का अब यूज ना ही करें तो मेरे हिसाब से अच्छा है। मैं पालक का यूज कभी नहीं किया मैंने,
इसी जगह आप यूज कर सकते हैं मटर। मटर जो अपनी ग्रीन मटर होते हैं वो आप साबुत अच्छी तरह धोके पानी में मटर को दे दीजिए, वो मटर के छिलके भी खा जाएंगे और मटर को भी खा जाएंगे। ये भी एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा पत्ता गोभी भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप पत्ता गोभी के जो पत्ते होते हैं वो भी आप दे सकते हैं कैल्शियम के रूप में। अगला पॉइंट है दोस्तों सीड्स में क्या है दोस्तों कि कैल्शियम के सोर्सेस तो बहुत सारे हैं कि हम बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करवा पाते, क्योंकि सीड्स में क्या होता है ऑयल होता है, जैसे अलसी का हुआ, मूंगफली हुई, ये सीड्स में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, किंतु इसमें साथ में ऑयल भी होता है जो इनके फैट को बढ़ा सकता है और बर्ड्स के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए हम उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं सीड्स में। आप इन सीड्स की जगह जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आप उन्हीं का यूज कीजिए, वो आपके बर्ड्स के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनके ब्रीड के लिए भी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप उबले हुए अंडे दें तो आने वाला सीजन अभी गर्मी का आने वाला है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि अंडे में गर्मी बहुत होती है। दोस्तों अंडा बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, किंतु उसमें गर्मी काफी होती है, इसलिए आप गर्मियों में हफ्ते में एक बार ही दें। अगर सर्दियों में 2-3 बार यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार यूज कर सकते हैं। अंडे को मैश करके पूरी तरह, चाहे वो अंडे का पीला वाला हो, ऊपर वाला हो, कोई सा भी दे सकते हैं, पूरा ही अंडा मिक्स करके दे सकते हैं, किंतु उसे ब्रेड में मिक्स करके आप उसे दे दे तो वो उसे अच्छी तरह चाव से खाएंगे भी और उनकी कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहेगी। तो दोस्तों ये थे नेचुरल सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के नेचुरल सोर्सेस। अगर आप अपने बर्ड्स के हेल्थ के बारे में चिंतित हैं या उनके ब्रीड को लेकर चिंतित है तो उनकी कैल्शियम के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर ध्यान देंगे तो उनकी ब्रीड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप कोई जानकारी कोई नॉलेज मिस ना करें। दोस्तों मैं बहुत सोच समझ ये वीडियो बनाता हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद, इधर उधर से जानकारी कलेक्ट करने के बाद और अपने एक्सपीरियंस के बल पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जिससे आप लोगों को सही और सटीक जानकारियां मिल सके और आप लोग अपनी बर्ड्स की हेल्थ के प्रति पूरी तरह सजग रहें। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियोस में हेल्थ के ऊपर वीडियो जो मैंने बनाया था वो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं मेरी बजीज की हेल्थ कैसी है, मैंने उनको जो उनकी प्रोग्रेस कैसी है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किया था कि उन्होंने काफी एग दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो मैं आगे की वीडियोस में कवर कर लूंगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी और भी कोई सोर्सेस पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आगे की वीडियो में उनको कवर जरूर करूंगा। दोस्तों काफी लोगों की डिमांड है कि मैं क्वेश्चन आंसर पे वीडियो लाऊं और इसके लिए मैंने एक पोलिंग भी शुरू की है, आप लोग अपने YouTube पे जाके देख सकते हैं, मैंने एक पोलिंग करी है, इसलिए दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। जितने वोट आए हैं उसमें अधिकतर जने का यही कहना है कि मैं क्वेश्चन आंसर पर वीडियो लाऊं, तो आप लोगों की इस इच्छा का मान रखते हुए मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर पर वीडियो लाने वाला हूं। ये मैं हर संडे की संडे लेके आऊंगा, पूरे हफ्ते में जो कमेंट्स आएंगे जिनके प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से मैं कमेंट्स को सेलेक्ट करके संडे के संडे मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा। उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे, जिससे आप लोगों के सहयोग से मैं अपने चैनल की ग्रोथ कर सकूं, कि जितनी जल्दी मेरे चैनल की ग्रोथ होगी मैं उतनी ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, और कई कॉलोनियों की विजिट भी मैंने की है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कॉलोनियों की विजिट की है, नूर भाई की कॉलोनी का, दानिश भाई की कॉलोनी का, इसके अलावा चांद भाई की कॉलोनी का और एक मेरे भाई की कॉलोनी का भी विजिट किया है मैंने, जाके देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं वहां पर, वहां से आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें सेफ रहें, धन्यवाद।